इन चक्र को बैलेंस कैसे किया जाए, किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप साधना करने बैठे चक्र साधना, तो ध्यान दें कि आप सांस जो ले रहे हैं पेट से ले रहे, छाती से सांस नहीं ले रहे हैं। नाभि के पास से हवा को भरना चाहिए, जैसे इस प्रकार से कुछ बार सांस लें और पेट में हवा को भरें। फिर मुद्रा का प्रयोग कैसे होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर रूट चक्र, मूलाधार चक्र का बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए हमको। हम ये जो अंगूठा है और ये इंडेक्स फिंगर है, इसको जोड़ लेते हैं और अपने जांघों पर घुटने के ऊपर यहाँ रख लेते हैं, इस प्रकार से नीज के ऊपर, और आंखें बंद करके कल्पना करते हैं अपने चारों तरफ लाल रंग का, और ये लाल रंग को कल्पना करते हैं कि सांस के साथ आपके अंदर जा रही है, और ये लाल रंग जाके जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ जाके जमा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई लाल रंग के आसन में बैठे हुए हैं ऐसे कल्पना करें, और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। किस प्रकार से करें, लम इसको करीबन 11 बार करें, 3 मिनट से 5 मिनट, आपके श्वास की गति कैसी है, कितनी लंबी है, उसके हिसाब से 11 जो है 15 बार भी हो सकता है। तो आप एक अंदाजा लगाइए कि 3 मिनट से 5 मिनट की साधना करने से आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा और आप जो इशू बताया था उस इशू वगैरह आपकी जिंदगी से हट जाएंगे। स्वादिष्ट चक्र, जो कि प्लेजर के बारे में बात कर रहे थे, सुख के बारे में बात कर रहे थे, मन की शांति के बारे में बात कर रहे थे, डिप्रेशन से बाहर आने की बात कर रहे थे, नाभि के नीचे का हिस्सा और जेनिटल एरिया, उसके लिए मुद्रा, जैसे आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो लेफ्ट हैंड को ऐसे रखिए, राइट हैंड को ऊपर रखिए, यदि आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो उल्टा कीजिए, राइट हैंड नीचे आ जाएगा। तो राइट हैंडेड के लिए लेफ्ट हैंड ऐसे रखेंगे, दाहिना हाथ को ऊपर रखेंगे, अंगूठा को मिला लेंगे, आंखें बंद करके कल्पना करेंगे ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर बीज मंत्र होगा वम वम। इसको भी 3 से 5 मिनट करेंगे। फिर आपका मणिपुर चक्र, जो कि नाभि के ऊपर है छाती से नीचे, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप दोनों हाथ को जोड़ लीजिए ऐसे सामने की तरफ, और लेफ्ट थंब को राइट थंब के नीचे रखिए, देखिए ऐसे ऐसे बैठिए, आंखें बंद कीजिए, येलो कलर, बीज मंत्र होगा इसका रम रम। इसका भी 3 से 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। फिर आपका अनाहता चक्र, हार्ट चक्र, बाएं हाथ इस प्रकार से अंगूठा और इंडेक्स फिंगर यहाँ रखिए, दाहिने हाथ को छाती के पास रखिए इस प्रकार से। इसका रंग है हरा, ग्रीन कलर, बीज मंत्र यम यम। इसको भी 3 से 5 मिनट कीजिए। विशुद्धि चक्र, इसके लिए क्या करें, सभी उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, देखिए इस प्रकार से फंसा लीजिए, ऐसे नहीं करें, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 में ही फंसाना है, ऐसे उंगलियां एक दूसरे से निकलते हुए ऊपर की तरफ है, और अंगूठे को जोड़ लीजिए ऐसे रखिए, ध्यान कीजिए आपके गले के चारों तरफ ब्लू कलर का, आपने देखा है शिव जी को ब्लू कलर, नीलकंठ कहते हैं ब्लू कलर, इमेजिन कीजिए बीज मंत्र होगा हम हम। उसके बाद में आपका त्रिनेत्र, थर्ड आई, जिंदगी में सफलता पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, जीवन के राह के बारे में ठीक जानकारी होने के लिए और भविष्य की कल्पना करने के लिए और कल्पना को साकार रूप देने के लिए ये थर्ड आई बहुत बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करें, ये जो आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल जहाँ कि आप नीलम वगैरह पहनते हैं, मिडिल फिंगर यहाँ ऐसे रखिए, बाकी उंगलियों को ऐसे डाउन कर लीजिए इस प्रकार से, और थंब को जोड़ लीजिए इस प्रकार से करें, आंखें बंद करें, माथे के ऊपर में दोनों भुवों के बीच में कल्पना करें कि डार्क ब्लू कलर, इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर, इंडिगो कलर, जैसे वहां है इस प्रकार कल्पना करें। बीज मंत्र होगा ओम ओम।
सहस्रार चक्र के लिए ऊपर में कल्पना करें वायलेट कलर और वाइट कलर। तो इसके लिए सभी ऐसे मुट्ठी बना ली, इस प्रकार से आप दोनों सभी होने को फंसा लीजिए, बायां अंगूठा जो है दाहिने अंगूठे के नीचे इस प्रकार से करें और छोटी उंगली को ऊपर उठा लें। देखिए इस प्रकार से ऐसे करके आप कल्पना करें सिर के ऊपर में वायलेट कलर और बीज मंत्र का आपका होगा अंग अंग इसको 3 से 5 मिनट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सातों चक्रों का साधना जब करते हैं तो करीबन आपको 21 मिनट से 35 मिनट लगता है। ये करने से क्या होगा, आपके जीवन से भय चला जाएगा, लेजरनेस चला जाएगा, यदि आप बहुत ओवर एक्टिव हैं तो बैलेंस हो जाएंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, ईगोइस्टिक एटीट्यूड चला जाएगा, आपके दिल में शांति रहेगी, आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपकी सोचने की शक्ति बैलेंस हो जाएगी, फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और आपको डिवाइन ग्रेस भगवान का आशीर्वाद को रिसीव करने की शक्ति आ जाती है। तो उसकी साधना जो करने की विधि है आप किसी भी समय कर सकते हैं, कोई एक नियत समय पर करें तो अच्छी बात है, लेकिन संभव नहीं है तो आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं दिन में। इसकी एक जरूरी चीज़ आपको जाननी बहुत जरूरी है कि ये साधना जो करते हैं, जो शुरू करेंगे आप करना इसको, तो 21 दिन कंटिन्यूस करें, बीच में कोई भी दिन का गैप ना करें। यदि कोई दिन का गैप हो जाता है तो 21 दिन दोबारा स्टार्ट करें। ये साधना 21 दिन की होती है, इसके पीछे कारण यह है कि शरीर को एक नई न्यूरोपैथ बनाने के लिए 21 दिन लगता है। कोई चीज़ को आप कंटिन्यूस 21 दिन करते हैं तो उसको आप साध लेते हैं, ये वो आपका जीवन का शरीर का हिस्सा बन जाता है, इसलिए 21 दिन की साधना करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 66 डेज आप फिर करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत गैप हो तो चलेगा, लेकिन पहला 21 दिन तो कंटिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद 66 डेज आप करेंगे तो ये सभी चक्र आपके संपूर्ण रूप से बैलेंस हो जाएंगे। इन चक्र को बैलेंस करने के लिए आप रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये साधना करते हैं और रुद्राक्ष भी पहनते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे आपका रूट चक्र है उसके ऊपर रूल करते हैं राहु और मार्स मंगल, तो यहाँ 6 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। स्वादिष्ठान चक्र जो आपको नाभि के नीचे है और जलोदर के को लिए हुए होता है, तो ये चक्र को बैलेंस करने के लिए इस साधना के साथ साथ आप यदि शुक्र के लिए होता है 7 मुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष और चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, तो 2 मुखी 7 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको फायदा करेगा। मणिपुरा चक्र में रूल करते हैं सूर्य और बृहस्पति, तो उसमें आप बृहस्पति के लिए 5 मुखी और सूर्य के लिए 3 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से मणिपुरा चक्र बैलेंस होता है, डायबिटीज वगैरह कंट्रोल करने में सहायता मिलती है, डाइजेशन सिस्टम अगर आपका ठीक रहता है। हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए 15 मुखी होता है, बुध इसके ऊपर राज करता है, यदि हार्ट का प्रॉब्लम हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, आपको लीवर का प्रॉब्लम हो तो 15 मुखी रुद्राक्ष पहनने से फायदा भी होता है, इस चक्र का बैलेंसिंग भी होता है। उसके बाद में विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए ये 15 मुखी रुद्राक्ष काम करता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 17 मुखी 17 मुखी, तो त्रिनेत्र को बैलेंस करने के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष होता है क्योंकि यहाँ शरीर का वास होता है। और आपके सर के ऊपर जो केतु है स्थान है सहस्रार चक्र का, उसको ठीक करने के लिए बैलेंस करने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये रुद्राक्ष धारण करने से और इस चक्र को बैलेंस करने से आपके जीवन में सुख आएगी, समृद्धि आएगी, सफलता आएगी, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा होगा, जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशंस आपको आएंगे और संबंधों में आपको सुधार आएगा। तो ये सब पहनने से आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी कोई दिक्कत है, कोई ग्रह का प्रॉब्लम है तो ये शनि का प्रॉब्लम है तो थर्ड आई को इफेक्ट करेगा, बुध का प्रॉब्लम है तो हार्ट को प्रॉब्लम करेगा। तो ये रुद्राक्ष पहनने से और चक्र साधना करने से न केवल आपको शारीरिक मानसिक तौर पे लाभ मिलता है, आपके ज्योतिष कुंडली में यदि कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसका भी समाधान इसके साथ साथ हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं, टेलीफोन नंबर मेरा है 9845124158, मैं रहता हूँ बेंगलोर में, और मेरा वेबसाइट है www.santoshsharma.com santoshsharma.com, इसको भी आप देख सकते हैं। और कोई भी समस्या आपको हो तो आप मुझसे सलाह कर सकते हैं,
संपर्क करके बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा।